हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज ट्यूटोरियल एकेडमी। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ पे हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स का है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे आप थर्मोडायनेमिक्स का, और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, इक्विलिब्रियम पहले मैं आपको बता देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में तीन तरह की इक्विलिब्रियम होती हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम होती है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर सिस्टम के अंदर हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब विद इन द सिस्टम और आउटसाइड द सिस्टम जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। तो उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम होती है उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको? थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब सिस्टम के अंदर या सिस्टम के बाहर और विद इन द सिस्टम जो टेम्परेचर होगा थ्रू आउट वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म, तो हम उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम में भी हो सकती है और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी हो सकती है, दोनों में टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। मतलब सिस्टम के अंदर अगर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम होगी उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद सिस्टम के अंदर भी हो सिस्टम के बाहर, मतलब अनबैलेंसिंग नहीं होगी, फोर्स जो होंगे सभी बैलेंस कंडीशन में होंगे। अभी मैं एक एक करके समझाता हूँ। फिर थर्ड नंबर की इक्विलिब्रियम होती है उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सिस्टम देयर इज नो केमिकल रिएक्शन विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो तो उसको उसका अपन नंबर बोल देंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, नहीं केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हुआ कि सिस्टम देयर इज नो केमिकल रिएक्शन विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, ना सिस्टम में हो ना सिस्टम और सराउंडिंग में हो, केमिकल रिएक्शन ना हो तो उसको बोलेंगे अपन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडिंग जो लिखना है, हेडिंग है अपनी इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इन थर्मोडायनेमिक्स हेडिंग लिख देते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जो इक्विलिब्रियम है हम उसको लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम इन थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम इन थर्मोडायनेमिक्स। तो इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स में कितने तरह से हैं? तीन तरह से हैं। देखिए, इक्विलिब्रियम जो पढ़ेंगे आप थर्मोडायनेमिक्स में वो तीन तरह से इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन सी, तो तीन तरह से इक्विलिब्रियम। देखिए पहली इक्विलिब्रियम यहाँ पे आती है, पहली इक्विलिब्रियम आती है थर्मल। अभी जरूरी नहीं कि मैंने पहले पे लिखा, आप कहीं भी नंबर पे लिख सकते हैं। पहली है थर्मल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट नंबर पर जो इक्विलिब्रियम है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इसको समझते भी चलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम है, सेकंड नंबर पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, और फिर थर्ड है केमिकल इक्विलिब्रियम। कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम केवल तीन तरह की होती है थर्मोडायनेमिक्स में। तो पहले मैं बता रहा हूं आपको थर्मल इक्विलिब्रियम। देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मैंने एक सिस्टम ले लिया, ये सिस्टम है, सिस्टम के हर एक पॉइंट पर जो टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब विद इन द सिस्टम जो टेम्परेचर होना चाहिए और आउटसाइड द सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म हो या सिस्टम के अंदर भी टेम्परेचर हो वो यूनिफॉर्म हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जाम्पल, मैंने माना सिस्टम के यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस किसी पॉइंट पर टेम्परेचर है तो और किसी पॉइंट पर भी 10 डिग्री सेल्सियस है, हर एक पॉइंट पर भी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि सिस्टम के अंदर ये सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम है, सिस्टम ये दिख रहा होगा, और इसके बाद ये बाउंड्री है, बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, और बाउंड्री के अलावा जो सारी चीजें होती हैं वो किस में आ जाती हैं, सराउंडिंग्स में आ जाती हैं, ये आ जाती हैं सराउंडिंग्स में। देखिए सिस्टम है, बाउंड्री है और सराउंडिंग्स हैं। अब देखते हैं सिस्टम के बीच में जो टेम्परेचर है, विद इन द सिस्टम टेम्परेचर क्या है, यूनिफॉर्म। विद इन द सिस्टम जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म, देख रहे हैं कि विद इन द सिस्टम टेम्परेचर है यूनिफॉर्म। मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया कि 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 डिग्री सेल्सियस ही है, तो विद इन द सिस्टम क्या है टेम्परेचर, मतलब सिस्टम के अंदर हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है, यूनिफॉर्म, मतलब कॉन्स्टेंट सेम है, तो इसको हम बोल देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। और थोड़ा डिफाइन करें तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी कोई भी एनर्जी इंटरेक्शन ना हो, मतलब यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो बाहर भी कितना होना चाहिए,
10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर भी टेम्परेचर यूनिफॉर्म होगा, सेम टेम्परेचर होगा, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी कोई एनर्जी इंट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी टेम्परेचर सेम होगा। तो जब टेम्परेचर सेम होगा तो एनर्जी इंट्रैक्शन नहीं होगा, क्यों? आप जानते हैं एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर या हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। तो टेम्परेचर जब ज्यादा दोनों जगह सेम होगा तो वहां पे एनर्जी इंट्रैक्शन नहीं होगा। सिंपल सा इसको हम लोग बोल देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर दूसरा आते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मैं डायग्राम बनाता हूँ, एक मिनट देखिए। तो आप देखेंगे सेकंड नंबर पे जो इक्विलिब्रियम है वो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। देखिए मैं लिखता हूँ हेडिंग यहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है मैंने यहाँ पे एक सिस्टम लिया, ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर, पहले सिस्टम की बात करता हूँ फिर सराउंडिंग की बात करूंगा। सिस्टम के अंदर हर जगह पर जितने भी फोर्सेस होंगे, फोर्सेस सभी बैलेंस होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है? देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब विद इन द सिस्टम भी क्या होना चाहिए? फोर्स अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो फोर्स होना चाहिए वो भी अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने माना यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा, 10 न्यूटन एक एग्जांपल, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और एक और मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, जैसे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा 20 न्यूटन का फोर्स, ये आपस में क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब है देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी जो फोर्स होना चाहिए वो अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, और सिस्टम के अंदर भी जो फोर्स होना चाहिए वो अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। तो फिर हमें इसको देखना है कि अगर दोनों फोर्स अनबैलेंस नहीं है तो उसको हम बोल देते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो आप देखेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, विद इन द सिस्टम भी कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फिर लास्ट इक्विलिब्रियम बचती है वो होती है थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल। थर्मल बता चुका हूँ, लास्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्ड नंबर पर बोलते हैं इसको। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है देयर इज नो केमिकल रिएक्शन विद इन द सिस्टम। केमिकल रिएक्शन का, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है देयर इज नो केमिकल रिएक्शन विद इन द सिस्टम, कि सिस्टम के बीच में कोई भी केमिकल, सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, तो हम उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर समझ लीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब देयर इज नो केमिकल रिएक्शन विद इन द सिस्टम और सिस्टम एंड सराउंडिंग। ना तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होगी, ना सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होगी, सभी क्या होता है उसको अपन बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर से समझ लीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है देयर इज नो केमिकल रिएक्शन विद इन द सिस्टम। इसका मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर कोई भी कंसंट्रेशन कहीं ज्यादा नहीं है कहीं कम नहीं है, ना तो कोई चीज ट्रांसफर हो सकती है। आप जानते हैं अगर दोनों जगह सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कंसंट्रेशन सेम हो, इक्वल हो, तो उस कंडीशन में कोई चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती, ना तो कोई डिफ्यूजन से हो सकती ना ऑस्मोसिस से हो सकती। तो मतलब यहाँ पे कोई चीज ट्रांसफर ही नहीं होगी। क्यों ट्रांसफर नहीं होगी? क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों में कंसंट्रेशन सेम होगी तो वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, तो उसको हम बोल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो तीन तरह से इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ी हुई है। सबसे पहले पढ़ी है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सिस्टम के अंदर हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, और अगर सिस्टम और सराउंडिंग की बात करें तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी टेम्परेचर सेम होना चाहिए, कोई डिफरेंस ना हो, तो उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर थर्ड नंबर, सेकंड नंबर पे अपने पढ़ा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ये बोलता है कि देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम, विद इन द सिस्टम और विद इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ना तो सिस्टम के अंदर जितने भी फोर्स होंगे वो सब बैलेंस होंगे, कोई भी फोर्स अनबैलेंस नहीं होगा, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी जितने फोर्स होंगे वो सभी बैलेंस होंगे, अनबैलेंस नहीं होंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फिर थर्ड नंबर पर जो इक्विलिब्रियम आता है वो आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इतना बोलता है कि देयर इज नो केमिकल रिएक्शन विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो तो उसको हम बोल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब सिस्टम के बीच में भी हो सकता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी, तभी आप बोलोगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये तीन तरह की इक्विलिब्रियम है थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग जमा सकते हैं, लेकिन लिखना आपको तीन ही है, क्योंकि तीन तरह की इक्विलिब्रियम होती है थर्मोडायनेमिक्स में। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आपको इसकी स्टडी करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हर जगह इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे गेट हो चाहे ईएसओ
चाहे PSC हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, हर जगह क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है।